Assalamu alaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special show presented to you by Sparks Smartphones and Sunsilk. How's everyone feeling? Well, Saturday big day hai Pakistan cricket team ke liye because wo log face karenge इंग्लैंड को एंड ऑफ कोर्स ऑल आईज ऑन पाकिस्तान टीम कि क्या वो लोग आगे सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं. बट ये अच्छी बात है कि ऑल होप्स आर अलाइव. सो 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा और ऑफ कोर्स इस मैच से पहले जो बिल्डअप हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, सब कुछ हम अपने एनालिस्ट से करेंगे. बट उधर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इज़ लुकिंग as strong as before, मतलब ever. उनकी batting tricky pitch पे उनकी batting लगती है अलग, उनकी bowling has been unplayable. और जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल मैच जीता by 243 runs and विराट कोहली की birthday पे बनी century, we will talk about all of that. और अभी भी बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दिल्ली में गेम खेला जा रहा है, थोड़ी देर में टॉस भी होगी. विल गिव यू दैट अपडेट. हमारे एनलिस्ट आर वेटिंग. जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैनी हमारे साथ है कोलकाता पे, अभी पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं भट्टी साहब मगर वो हैं हमारे साथ अभी इसी वक्त. एंड वी हैव फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अब्दुल रजाक. रजाक, सबसे पहले आपके पास आते हैं और बात करेंगे. यू नो, ये जो कल हमने मैच देखा, सब ये बात कर रहे थे कि उन्हें 5 मिनट के लिए चैनल चेंज किया, कोई सिर्फ फ्रिज तक गया, वापस आए तो आधी साउथ अफ्रीकन टीम आउट हो गई थी. 14 ओवर्स में साउथ अफ्रीका 5 डाउन. तो ये क्या हो रहा है यहाँ? आई मीन इंडिया इज इंडिया सो गुड कि ये सब कुछ बैक टू बैक इतने ज़बरदस्त और बड़े मार्जिन से मैच जीत रहे हैं? देखिए फातिमा, हर जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं अपनी नज़र से देखते हैं और बात यह है कि इंडिया को जितनी कंडीशन मिल रही हैं वो उनको सूट कर रही हैं. उनको पता होता है कि इस पिच पे कितना टटोल होना चाहिए और उन्होंने देखें पहले बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवर में जो रन्स किए हैं, उसके बाद 11 से लेकर 30 ओवर तक उन्होंने बिल्कुल 4.5, 3, 5.5 की एवरेज स्कोर किया है और आखिरी जो ओवर थे उनमें बिल्कुल 6 या 7 की एवरेज उन्होंने स्कोर किया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इस पिच पे 260 या 250 जो स्कोर है बहुत इनफ होगा. फिर भी बड़े आराम से वो उन्होंने खेला और पिच में देखें आपको टर्न भी नजर आया है. हमेशा इंडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी इंडिया का मैच होता है इनको टर्न नजर आता है और पिच में, और जब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था तब भी जो पिच थी फेवर कर रही थी इंडिया को, वहां भी टर्न नजर आया हमें. तो बाकी मैचों में कहीं 400 हो रहा है, कभी 450 हो रहा है, 350 रन हो रहे हैं, तो ये पिच का जो बिहेवियर है, जो कंडीशन है पिच की, ये इंडिया को ऐसे लगता है कि जैसे इनको पहले ही पता होता है कि इस पिच में क्या होना है. और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है बिल्कुल कोई उन्होंने कोई चांस नहीं लिया. पहले 3 ओवर में 30 स्कोर था, फिर 10 ओवर में 95 था, फिर आगे से उन्होंने स्लो स्लो खेलते गए. तो ये सारी जो कंडीशन है, सारी सिचुएशन है, ऐसे लग रहा है कि इंडिया को सूट करती है. और इंडिया की जब बॉलिंग आती है तो ऐसे बॉलर लगते हैं कि जैसे बॉलर ने विकेटें लेनी है, वो रन रोकने नहीं जाते, वो विकेटें लेने जाते हैं. तीनों के तीनों बॉलर फास्ट बॉलर देख रहे हैं, स्पिनर भी उनके भी यही इंटेंट है. तो ये सारी मैं समझता हूँ कि इंडिया की फेवर में सारी चीजें जा रही हैं. यू नो, जो उनके पेसेस हैं विद द न्यू बॉल देन द मिडिल ओवर्स देन डेथ, इट्स जस्ट अ फुल पैकेज राइट नाउ. एंड सिकू, आई मीन मतलब साउथ अफ्रीकन टीम जो इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी शुरू में, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, अदर टीम आई थॉट आई नो दे इन द सेमीज, बट मुझे लग रहा था वो दे आर गोइंग टू प्ले रियली गुड क्रिकेट थ्रू आउट. बट वो जिस तरह कल खेल रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि बाकी टीम्स अगर इंडिया को सेमीफाइनल में कोई भी फेस करेगी, आई मीन व्हाट विल दे बी वर्किंग ऑन, बिकॉज इंडिया इज बहुत आगे चली गई है. देखो, इंडिया ने श्रीलंका में भी अच्छा खेला, उन्होंने वहाँ पर श्रीलंका को 50 पे आउट किया और श्रीलंका की अपनी कंडीशंस थी, उनको पता था, सारा कुछ था, फिर भी वो 50 पे आउट हो गए. हाँ, जो आप बात कर रही हो ना कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि ये आज का मैच कैसे लड़ेगा. मैं घर से निकला हूँ, जिम पहुँचा हूँ, जिम में जब मैं देखा तो सब हंस रहे थे, मैं हैरान रह गया ये क्या हो गया, क्या 3-4 उड़ चुके थे, मैं कहा यार ये तो ख़त्म ही हो गया मामला. तो उस चीज़ का अफसोस है. जहाँ तक कंडीशंस की बात है ना, तो अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलेगा तो ऑब्वियसली उसको अपने कंडीशंस का पता होगा, थोड़ी बहुत पिचेस का भी उसको फेवर मिलेगा. इसी तरह इंडिया को मिल रहा है, मगर ये ना भूलें कि इंडिया के यही सीमर्स ने श्रीलंका को श्रीलंका में 50 पे आउट किया, तो उसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है. आपको खुद मानना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, उनका मिडल में, हालांकि अब पांड्या निकल गया है बीच में से वर्ल्ड कप के लिए, अब वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है, मगर
जब वो था और जडेजा थे तो वो दोनों बड़ा स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर था जहाँ पे पावर हिटिंग हो सकती है। स्पिनर बहुत अच्छे थे उनके पास, 3 से 4 उनके पास सीमर आ गए थे पांड्या के वजह से, मगर वो टीम अच्छी है इस वक्त, आपको बगैर किसी शक के इस वक्त वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो उनको तो एडवांटेज जाएगा 100% जाएगा। एंड यू नो एंड इट्स जस्ट दैट दे आर द हॉट फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप। एंड कैन वी आल्सो शो द स्कोर कार्ड ऑफ व्हाट हैपेंड, बिकॉज़ फिर हम इस मैच को भी रैप अप करेंगे। एंड श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो अभी मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, उसमें आपको अपडेट दे देंगे। बांग्लादेश हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। अच्छा, बांग्लादेश की जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो तो ये बात करी है कि भाई जस्ट टेक इट एज अनदर ODI, और 9th वो है टेबल पे, और श्रीलंका जो है बिग डिफीट जो हुई थी अगेंस्ट इंडिया उस नंबर 7 पे पॉइंट्स टेबल पर। खैर एनीवे, ये कल के मैच का हम लोग देख रहे थे स्कोर कार्ड, वी स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। एंड यार, इंडिया इज हॉट फेवरेट राइट नाउ टू विन द वर्ल्ड कप एज वेल, बट जब इंडियन बैटर्स बैट करने आते हैं और पिच लग रही होती है इतनी ट्रिकी जब दूसरी टीम आती है, तो मतलब उनकी बैटिंग इतनी क्यों लग रहा है कि बड़ी कोई ईजी पिच पर बैटिंग कर रहे होते हैं और फिर जब दूसरी टीम आती है सीम्स लाइक इट्स अ डिफरेंट पिच। फातिमा, मैं थोड़ा सा इधर सरप्राइज हूँ और हैरान हूँ कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कोई कह रहा है कि जी इंडिया के लिए पिच ऐसी बना दी जाती है कि जो उनको सूट कर रही है, किसी ने तो ये तक कह दिया कि जी इंडिया जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो उनको वो बॉल दी जाती है जो दूसरी टीमों को नहीं दी जाती। कल के मैच की अगर आप बात करें फातिमा, तो एक चीज़ बहुत वाज़ है कि इंडिया की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया की जीत के लिए खेल रहे हैं, एक बात तो यहाँ पर तय हो गई है। वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहे, वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल ब्रिलियंस के नहीं खेल रहे, ये आपको बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। उनके खिलाड़ी एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं आकर, आप देखें कि जब पार्टनरशिप लगती है वो एक दूसरे के साथ जेल होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है टीम इंडिया की जीत का, टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का, वो है उनके कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट टूर्नामेंट में 2019 में सबसे ज़्यादा 648 रन स्कोर किए थे, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपनी इनिंग को टीम के नाम किया है। कल अगर आप बात करती हैं, टॉस के वक्त आ गया कि इस पिच के ऊपर 230 बहुत होंगे, लेकिन क्या वजह थी कि रोहित शर्मा ने आते ही अटैक किया? उन्होंने इसलिए आते ही अटैक किया कि उनको पता था कि अगर वो कल शेल में गए तो फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी उनको रन नहीं करने देंगे। कल आप देखें महाराज ने 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए हैं, सेम यही पैटर्न उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रखा था, जहां पाकिस्तान ने रन इतने नहीं किए थे, लेकिन जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था उन्होंने आते ही उसको पहले से उड़ाकर रख दिया, उनको सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल माउफ कर दिया। ये जो चीज़ थी, पहले 10 ओवर में उन्होंने 9 के रन औसत के साथ बैटिंग की और उसके बाद जैसे ही महाराज बॉलिंग करने के लिए आए, आपने देखा कि विराट कोहली और सुरेश अय्यर जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो 9 से रन औसत को 5.5 पर लेकर आ गए। और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने क्या गलती की, जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनके कैप्टन टंडा बबूमा है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जनूबी अफ्रीका को रीथिंक करना चाहिए अपनी सोच को यहाँ पर, कि भाई टंडन बबूमा को बाहर बिठाएं, रिजा हैंड्रिक जो उनके अदम मौजूदगी में खेले थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और जनूबी अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, कल उन्होंने बिल्कुल उलट क्रिकेट खेली एज़ कम्पेयर इंडिया, उन्होंने आके शेल में बैटिंग की और वो फिर पीछे चलते चले गए। जो जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑर्डर है, चाहे आप उनके कॉन्टन डिकॉक की बात करें, सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में उनके रन हैं, फिर उसके बाद जो है वो वेंडर डूसन है, हैंड्रिक्स हैं, उसके बाद उनके पास आने वाले बैट्समैनों में मार्क क्रम है जिन्होंने टूर्नामेंट की तेज तरीन 100 की है, इसके बाद मैक्सवेल उनसे आगे निकल गए, ये सारे अटैकिंग क्रिकेटर हैं और ये सब जो थे वो बैकफुट पर खेले और इंडिया की टीम उनको लेकर। नो, इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, आई डोंट लाइक वन साइडेड मैचेस, बट एनीवे अब मैं बाद में आप क्योंकि दोनों हमारे क्रिकेट फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, मैं इन दोनों से ज़रूर पूछूंगी कि यू नो बुमराह और शामी क्यों इतने इफेक्टिव हैं and why not others? I do want to ask this question. उसका जवाब सिकंदर बग दे चुके हैं आपको कि जो इंडिया में नई बॉल के साथ बॉल को हिलाएगा वही कामयाब होगा। इसका मतलब ये कि उनका क्यों हिल रहा है, हमारा क्यों नहीं हिल रहा? Exactly my question. But you know, क्योंकि मुझे बाद में ब्रेक में जाना है, I don't want to like distract that. But भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, बिल्डअप अब हो रहा है, आई मीन एक्साइटमेंट अब आ गई है पाकिस्तानी फैंस के अंदर, इंग्लैंड के खिलाफ मस्ट विन मैच, बाकी सब चीज़ें क्या कुछ हो रहा है आपके कैंप में, हमें सब अपडेट्स दें क्योंकि आप कोलकाता में मौजूद हैं, व्हाट्स ऑल हैपनिंग? कल पाकिस्तान टीम ट्रेवल कर रही थी, बेंगलोर से कोलकाता पहुंची है, तो कल तो टीम ने आराम किया। भट्टी साहब सॉरी, आप मेरे साथ रहिएगा, हम लोग न्यूज ब्रेक के लिए जा रहे हैं क्विक, एंड देन वी विल जॉइन यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। बाद में याद आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आपको बताया कि स्पार्क स्मार्टफोन्स इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ स्मार्टफोन. हम आपसे रोज सवाल पूछ रहे हैं, रोज नए विनर हमारे सामने आ रहे हैं. सो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, लेट्स शो ऑन द बिग स्क्रीन. बाय द वे ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको करेक्ट आंसर भेजना है. सो हमने आपसे पूछा था कि DLS मेथड वर्ल्ड कप में कब इंट्रोड्यूस हुआ, एंड द करेक्ट आंसर वॉज 1999. तस्लीम मानो ने सही आंसर दिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और आज का सवाल ये है कि 1992 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस प्लेयर को मिला. ठीक है, टूर्नामेंट कप जो प्लेयर थे पूरे, नॉट मैन ऑफ द मैच, वर्ल्ड कप 1992 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता. व्हाट्सएप नंबर ऑन द स्क्रीन एंड विन अ स्पार्क स्मार्टफोन. ओहो, मुझे नहीं देनी आपने के अब वो प्लेयर इस दुनिया में नहीं है. सो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. मैं तो अच्छा ठीक है, आपको आगे नहीं, हम कुछ बोले, मैं और भी एक सवाल पूछने वाली थी, बट चले ठीक है, हम लोग वापस अपने पैनल्स के पास जाते हैं. एंड बैटी साहब, आप हमें थोड़ी अपडेट दे रहे थे पाकिस्तान टीम की, तो प्लीज़ हमें बताइएगा क्या कुछ हो रहा है कोलकाता में बिफोर द बिग मैच. पद्मा, मैं यही बता रहा था कि कल पाकिस्तान टीम सफर में थी, आज भी पाकिस्तान टीम का आराम है, तो क्रिकेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है. लेकिन जो पाकिस्तान कैंप से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शादाब खान, जिनकी गर्दन में सर पे चोट लगी थी, वो गर्दन के बल गिरे थे, तो अब ये कहा जा रहा है कि शादाब खान पिछले मैच में भी तकरीबन खेलने वाले थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने खतरा मोल नहीं लिया. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अभी चूंकि 5 दिन बाकी हैं, इसलिए शादाब खान कहा जा रहा है कि फिट हो जाएंगे, वो खेलेंगे. वो जो अबरार का जो एक फार्मूला लोगों ने सोशल मीडिया पे फैला दिया था कि अबरार जो है वो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, तो फिलहाल तो अबरार के आने का कोई चांस नहीं है. शादाब खान पाकिस्तान टीम में आएंगे और मुमकिन तौर पर हसन अली जो है उनको ड्रॉप किया जाएगा. बट साहब, अगर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे बट इंडियन बॉलर्स इतने इफेक्टिव है, देखिए जो भी है हमें ये बात डिसाइड करनी चाहिए या हमें सोचना चाहिए कि अभी हमारी बॉलिंग कहाँ स्टैंड कर रही है. ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न अभी है, नो डाउट हम लोग मैच जीत गए हैं, नो डाउट हमारे चांसेस बढ़ गए, तो उस पर क्या कुछ हो रहा है कैंप में, क्या बातें हो रही हैं, आपको कुछ अंदर की खबरें अगर वो मिल रही हो. देखिए फातिमा, एक तो यहाँ पर मजाक उड़ रहा है कि एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने, जिस तरह याया भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा जी इंडिया के लिए तो अलग से गेंद यूज हो रही है. देखें, हमारे और इंडिया के बड़े हसास मामलात हैं, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो ब्रांड जो भी है, चाहे अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अगर 87 वर्ल्ड कप हम उठा लें, पाकिस्तान टीम भी इसी तरह जीत रही थी, फिर सेमीफाइनल में जाके हारी थी. लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है, खासतौर पर स्पिनर्स तो हमारे पहले स्ट्रगल कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स ने 401 रन दे दिए, 4 फास्ट बॉलरों के साथ पाकिस्तान गया. मैंने उस दिन आपको प्रोग्राम में बता दिया था कि फाइन होगा, फाइनली स्लो ओवर रेट पे फाइन भी हुआ. तो मेरे ख्याल में अब मॉर्नी मॉर्कल जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है, वो और मिकी आर्थर पाकिस्तान के बॉलरों के साथ आज किसी वक्त या कल कोई सेशन करेंगे, उनको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की बॉलिंग ने देखें डिसअपॉइंट तो बहुत किया है. श्रीलंका के खिलाफ 344, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 367, फिर 400 रन, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग को कहा जा रहा था टूर्नामेंट से पहले कि सबसे स्ट्रांग है. अब पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लिहाजा अगर पाकिस्तान को इस कैंपेन को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को भी अपना रोल प्ले करना होगा. बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बांग्लादेश की अपोजिशन थोड़ी सी कमजोर थी. अब इंग्लैंड की टीम नीचे इस वक्त है, एक मैच जीती हुई, लिहाजा इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना होगा. अगर शादाब खान खेलते हैं तो शादाब खान को भी अपने आप को मनवाना होगा कि बड़ी टीम के खिलाफ उनको भी परफॉर्मेंस देना होगी. एब्सोल्युटली, चले आप बता रहे हैं अपडेट के शादाब आएंगे, बट रजाक, आपको क्या लगता है कि इंडियन पेसर्स क्यों इतने इफेक्टिव हैं इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए बात यह है कि टीम यूनिटी है, और जैसे याया भाई ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि वो अपने नेशन के लिए खेलते हैं, उनमें कोई स्टार नहीं, कोई इसमें कोई हल्का प्लेयर नहीं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं, वो सब एक जैसे ही लगते हैं. देखिए कोहली को अगर देखा जाए, दूसरा बैट्समैन अगर चौका छक्का मारते तो कोहली का रिएक्शन चेक कर लें, कोहली कितना खुश होता है. तो वो हालांकि उसको जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, और ये कि उस कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं, वो ये नहीं अज्यूम करते हैं कि कैप्टन इस पिच पे 240 करना है हमने, वो अज्यूम करते हैं कुछ और इतना टोटल देते हैं जिससे बॉलर भी बड़े रिलैक्स होकर इंजॉय कर बॉलिंग करते हैं. अगर पहले बॉलिंग आती है तो बॉलर विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकते हैं, और अच्छी बात यह है कि जब बॉलर विकेट ले रहे हो
तो हर जगह पे आपको क्रिकेट आसान लगती है। जब बॉलर जिस तरह पाकिस्तान की टीम 2 महीने पहले अच्छी बॉलिंग कर रही थी, फास्ट बॉलिंग, तो हम कह रहे थे बड़ा जबरदस्त अटैक है, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के पास। अब वही बॉलर विकेट नहीं ले रहे तो फिर हम बातें कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग को क्या हो गया। तो ये क्रिकेट में चलता है, पर टीम यूनिटी और कॉन्फिडेंस, मैं इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को देना चाहूँगा। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक रोहित शर्मा has just really changed the game for India. सिको उस दिन हमें शामी का भी इंटरव्यू आ रहा था, वो पूछे थे भाई ये क्या आप मैजिक कर रहे हैं, तो उससे बोला था देर इज नो मैजिक, इट्स जस्ट द रिदम। एंड वो मेरे दिमाग में बस गई ये बात, बिकॉज जस्ट रिदम में वो है, इट्स जस्ट इज मेकिंग एवरीवन डांस। रिदम रिदम मैंने लिखा हुआ है, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि नंबर वन तो इब्रार को नहीं खिलाना चाहिए, अब नहीं खिलाना चाहिए, टू लेट इन द गेम, टू लेट। देख, और मैंने यही लिखा हुआ है कि रिदम, जब किसी टीम का रिदम आ जाता है ना तो वो टीम बहुत अच्छी लगने लगती है, हर चीज़ अच्छी होती है। यही टीम इंडिया की जब वो हारी थी कोहली के, कोहली को हटा दिया गया था। मैंने खुद आर्टिकल्स पढ़े हैं, इंटरनेट पे पढ़ा है कि कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान रिफ्ट थी, मगर जब टीमें हारती हैं ना तो ये रिफ्ट नज़र आने शुरू हो जाती हैं, और जब जीत रही होती हैं तो बिल्कुल वाह वाह होता है, हर चीज़ सुनहरी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगने लगती है। आज आप मोइन अली का आर्टिकल पढ़ लें, उनका इंटरव्यू पूरा आया हुआ है अंग्रेज़ी अखबार में, जब मेरे घर में वो आता है मैं रोज़ाना पढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें उसने लिख दिया कि बस हमारा एरा ख़त्म हो चुका, 2019 का जो हम वर्ल्ड कप चैम्पियन बने थे वो ख़त्म हो गया। उसने 4-5 लड़कों के नाम दे दिए कि ये तो अब अगले वर्ल्ड कप में होंगे नहीं, नाउ वी नीड अ न्यू प्लेयर, मतलब उसने खुलकर सारी बातें कर दी। तो ये होता है, सॉरी अपना नाम लिया भी नहीं, नहीं उसने अपना भी लिया होगा, उसने बोला भाई जो 30 साल के हो गए वो ख़त्म हो गए, अब वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। यानी कि उसका बहुत ही सिंपल सा वो था कि अब हमें अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से नए लड़के अंदर डालने, हमने ये नहीं करना कि अभी जैसे अल्लाह ना करे अगर हम नहीं क्वालिफाई करते तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अब आप कह रहे थे इंडिया की टीम अच्छा क्यों खेल रही है, भाई इंडिया की टीम मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर डेटा निकालूंगा कि वो वर्ल्ड कप से पहले उनका बांग्लादेश की सीरीज़ में रोहित शर्मा का मैंने खुद स्कोर में देखा 8वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है, उसने अपनी जगह दूसरे लड़कों को भेजा, हमारा कप्तान करता है नहीं करता। आप कोहली को देख लें, वो 2 सीरीज़ नहीं खेला, उससे पहले रेस्ट लिया उसने। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ना रोहित शर्मा खेला, ना कोहली खेला, ना पांड्या खेला, और एक दो और लड़के थे वो नहीं खेले। तो ये होती है क्रिकेट, आप अपने दूसरे लड़कों को खिलाकर उनको बनाते हैं, हम अपनी जगह पे डट के बैठे हुए होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसकी लॉजिक क्या है, कोई उन्हीं से पूछ के बताए, कभी हमारे सामने बैठे हैं तो मैं उनसे पूछूं कि भाई आप दूसरे बच्चों को क्यों नहीं चांस देते, वो भी सब पाकिस्तानी हैं, 25 करोड़ की आबादी है, क्रिकेटर ही क्रिकेटर हैं, और कोई खेल नहीं खेला जाता पाकिस्तान। पता तो है कि रैंकिंग का मसला है, आपको पता तो है। हाँ अच्छा रजाक, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जब रैंकिंग आपकी नंबर वन होती है तो क्या आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, पैसे ज्यादा मांगते हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती, बात यह है कि आप सेटिस्फाई होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। एक प्लेयर हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड, वो जैसे मैंने कहा कि क्लास में आप नंबर वन है, मैट्रिक के इम्तिहान में फेल। नहीं नहीं, बात यह है कि नंबर वन तो आप इसको फखर जुमान को कहना चाहिए, जिस तरह की मैच में उसने बैटिंग की है और सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर की तारीफें कर रहे हैं। तो ये जो क्लास है ना, ये नहीं है हमारे कैप्टन में, और रोहित शर्मा को देखें, वो पहले ओवर में भी 10 करने की एथलीट रखता है, दूसरे ओवर में भी 15 करने की एथलीट रखता है, वो उनको उसका अपनी गेम करता है। तो हमारे जो कैप्टन है उनकी गेम और किस्म की है, रोहित शर्मा की और की है। तो वर्ल्ड क्लास तो वो होता है जैसे हमारे दौर में थे मैथ्यू हेडन थे, जयसूर्या थे, तेंदुलकर थे, रिकी पोंटिंग थे, ये क्लास होती है, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास का। ठीक है, एंड यू नो यायो से हाजी बट्टी साहब जी, और बात जो है जरूर बोलें, इंडिया का आप क्रिकेटिंग सिस्टम देखें वो भी बहुत स्ट्रांग हुआ, हम 95 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सके, इंडिया की टीम आप देखें तीनों फॉर्मेट्स में T20 में हारती भी है, लेकिन उनका क्रिकेटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ, उन्होंने मार खा खा के आज अपनी टीम खड़ी कर दी है, वो टीम दुनिया के हर ग्राउंड पर हर टीम को चैलेंज कर रही है। भट्टी साहब हमारा तो सिस्टम ये हो गया कि हमारी क्लब क्रिकेट ही नहीं हो रही, अब नए पाकिस्तान ने तो पूरा माजरत के साथ बेड़ा गर्क करके चले गए, ये कहना पड़ रहा है मुझे, तो हमारा तो सिस्टम ही सब चेंज कर दिया। एंड यू नो इंटरेस्टिंग, सिक्कू जब आप कह रहे थे ना कि आपस में रिफ्ट की बातें हो रही थी, अब आप उन लोगों को सबको देखे, प्लेयर्स को आपस में ग्राउंड में, इवन लाइक टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपस में चिट चैट कर रहे होते, एडवाइस दे रहे होते, ऑफकोर्स जब आपकी टीम जीत रही होती है तो सब सही, बट इट्स नाइस टू सी ऑल ऑफ दैट। बट या अभी मुझे बताएं कि हमने वेट करने हैं एक और मैच का बिफोर आर मैच टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता है, प्लीज़ वो हमें सिनेरियो एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये हमें रोज़ रोज़ फैंस पूछते हैं, सो वी वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू अस कि क्या होने, हमें किस कौन से मैच का वेट करना है, न्यूजीलैंड वर्सेस। जी बिल्कुल फातिमा, ठीक कहा आपने, आज श्रीलंका की टीम दिल्ली में मैच खेल रही है
बांग्लादेश के साथ, और कभी ये वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे नहीं हैं। तो अब देखना यह कि अपनी इस परफॉर्मेंस को ये कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। और उसके बाद आई थिंक 8 तारीख को ये मैच खेलने जा रहे हैं चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो ये कि अगर DL मेथड उस मैच पर अप्लाई होता है और वो मैच भी बारिश से मुतासर होता है तो ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करे, और डेफिनेटली वो अपने इस बात को जहन में रखेंगे। काइल जेमिसन को वो टीम में शामिल करेंगे, ईश रूडी को वो बाहर बैठाएंगे। ऑन द अदर साइड न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान से मैच ज़रूर हारा है, और न्यूजीलैंड की टीम DL पर 21 बिहाइंड की वजह से मैच हार गई, लेकिन उन्होंने 401 रन करके अपने रन रेट को काफ़ी मेंटेन किया है। उनका जो रन औसत है 0.40 है, पाकिस्तान का 0.04 है, फ़र्क है। और अगर श्रीलंका को शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने और अपने इस रन रेट को मज़ीद इन्हेंस किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इफ़ एंड बट हो जाएंगे। और 11 तारीख को जब पाकिस्तान ईडन गार्डन कोलकाता में मैच खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड, तो पाकिस्तान के पास बहुत सिंपल इक्वेशन होगी कि अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो नाकामी का मार्जिन है वो कितने रन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की टीम टारगेट चेस करती है इंग्लैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान को इंग्लैंड जो भी टारगेट दे वो मैक्सिमम पाकिस्तान ने कितने पहले ओवर्स करना है। तो ये चीज़ बहुत वाजे और बहुत क्लियर है, और इसका सीधा सा जवाब है कि श्रीलंका जो है वो अपसेट कर दे। हम पिछले साल जो है वो एडिलेड में जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में दुआ कर रहे थे कि नीदरलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका को हरा दे। या आपका अच्छा, मतलब है 9 तारीख का जो मैच है ना न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका जी, वो देखने वाला है। देखें, एक रिएक्शन जो पहला आया वर्ल्ड कप की जो टीमें हार रही है ना, आज श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ही बरतरफ कर दिया। इंडिया की टीम का कंपैरिजन किया बाकी टीमों के साथ, तो आप ये देखो कि इंडिया की टीम के कप्तान रोहित शर्मा आते ही जो है वो अटैक करते हैं, उनके साथ शुभमन गिल, वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वो छक्का मारते हैं तो जवाब में वो भी छक्का मारते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो हेड डाउन करके बैटिंग करते हैं। कोहली नंबर 3 पर आकर अटैक करते हैं, सुरेश अय्यर नंबर 4 पर एग्रेसिव किस्म के बैट्समैन हैं, KL राहुल वो अटैकिंग बैट्समैन है। आप अपनी टीम में देखें, हमारे पास एक जैसे खेलने वाले बैट्समैन हैं। हमारे पास इनिंग का आगाज़ इमामुल हक कर रहे थे, खुदा खुदा करके फ़खर टीम में वापस आ गए हैं, बाबर आजम आ गए, फिर उसके बाद नंबर 4 पर रिजवान है, नंबर 5 पर सऊद शकील है। तो ये एक जैसी क्रिकेट खेलने वाले बैट्समैन हैं, एग्रेसिव इनमें कोई भी नहीं है। बट लेट्स सी अब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह टुमारो विद ऑल द स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड कप अपडेट्स। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।